चौरे को पता चल गया कि राजवीर और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई है और प्रीता की हो गई लूथरा हाउस में वापसी। और प्रीता को लूथरा हाउस में देखकर करण लगाएगा प्रीता को गले। और पीछे से करण प्रीता को मिलते हुए देख लिया काव्य शौर्य ने। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में राजवीर के पास करण जब राजवीर को डांटने की अपने किए की माफी मांगते हुए राजवीर के पास आएगा और राजवीर को कहेगा कि राजवीर मैंने मान लिया कि मैं गलत हूँ और तुम सही हो, तुम रिश्तों को अच्छे से समझते हो और अभी मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था वो गलत हो सकता है जिसे कोई मैं अपनी जिंदगी में मायने नहीं रखता, लेकिन तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है इसलिए मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने तुम रखते हो। ये अपने बाप करण को राजवीर को कहते हुए सुनकर शौर्य को काफी बड़ा शौक लगेगा। और प्रीता घर में सृष्टि को लूथरा हाउस जाने की बात कहते हुए सृष्टि को कहेगी कि अब मुझे लूथरा हाउस जाना पड़ेगा। तभी यह सुनकर सृष्टि को काफी बड़ा शौक लगेगा और सृष्टि प्रीता को कहेगी क्यों दी। तभी प्रीता कहेगी मैं लूथरा हाउस इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया कि मुझे हॉस्पिटल में मारने वाली और कोई नहीं बल्कि निधि थी। यह सुनकर सृष्टि को काफी बड़ा झटका लगेगा और काव्य लूथरा हाउस में जब राजवीर को कहेगी कि तुम मेरे भाई बनकर मेरी जिंदगी में आए और मेरी जान तुमने पहले भी बचाई थी और आज भी राखी बांधने से पहले तुमने ही मेरी जान बचाई, इसलिए कोई ना कोई हमारा पिछले जन्म में कनेक्शन तो जरूर होगा, इसी वजह से हमारे रिश्ते बने हैं। यह सब पीछे से काव्य को राजवीर को कहते हुए शौर्य सुन लेगा और राजवीर के मन में काफी ज्यादा काव्य को कहने का मन होगा कि मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, मैं ही रुद्राक्ष हूँ, शौर्य का 20 साल पहले बिछड़ा हुआ जुड़वा भाई हूँ। यह सब काव्य को कहने का राजवीर को मन होगा और शौर्य जब उठकर काव्य राजवीर के बीच में आएगा और शौर्य राजवीर काव्य के सामने ताली बजाएगा और काव्य को कहेगा कि वाह काव्य दी, आपने तो आज रक्षाबंधन के दिन कमाल ही कर लिया, एक अपने सगे भाई के होते हुए आप दूसरे को सगे भाई से भी पढ़कर बना रही है, आई एम सॉरी आप बना नहीं रही है बल्कि मान रही है। यह सुनकर तभी काव्य शौर्य को समझाती हुई कहेगी शौर्य राजवीर तुम्हारा भाई है, अगर तुम्हारा दूसरा भाई होता तो वो सेम टू सेम राजवीर की ही कॉपी होता, या फिर कहूँ तो राजवीर ही होता जो तुझे हर एक तरीके से बचाता और हमारे परिवार को जोड़ कर रखता। यह सुनकर शौर्य राजवीर को देखते हुए कुछ बोल नहीं पाएगा और शौर्य के मन में काव्य की बातों का एहसास होगा कि हाँ काव्य सही कह रही थी, अगर मेरा जुड़वा भाई आज जिंदा होता तो वो मुझे संभालता और आज जो मैं इतना अपनी हरकतों के चलते बिगड़ा हुआ हूँ उतना मैं नहीं होता और काश अगर मेरी माँ जिंदा होती तो बिल्कुल राजवीर की मासी जैसी होती। ये जब शौर्य अपने मन में कहेगा तभी लूथरा हाउस में किसी को पता ना चले ऐसे प्रीता अचानक से लूथरा हाउस के अंदर आ जाएगी, जहाँ पर जब करण की नजर लूथरा हाउस में आते हुए प्रीता पर पड़ेगी तभी करण पूरे परिवार की परवाह के बिना दौड़ते हुए लूथरा हाउस में प्रीता के पास जाकर प्रीता को गले लगा लेगा, जहाँ पर जब राखी माँ कृतिका ऋषभ करण प्रीता को ऐसे मिलते हुए देखेंगे और खुश होकर कृतिका प्रीता भाभी कहेगी और राखी माँ करीना बुआ प्रीता कहेगी। तभी सबके मुँह से राजवीर की मासी यानी प्रीता का नाम सुनकर शौर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जहाँ पर शौर्य चिल्लाकर कहेगा कि आप लोग इन्हें कैसे जानते हैं, ये तो राजवीर की मासी है। तभी पूरा घर शौर्य को खुलासा करते हुए कहेगा कि यही तेरी माँ है, यही प्रीता तेरी शौर्य माँ है, जिसे सुनकर शौर्य को काफी बड़ा झटका लगेगा और शौर्य सीधे राजवीर के सामने देखेगा और राजवीर खुलासा करता हुआ कहेगा हाँ प्रीता ही हमारी माँ है और मैं तुम्हारा भाई हूँ। यह सुनकर शौर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप ऐसा आने वाले एपिसोड में होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आप शौर्य के सामने राजवीर ही उसका भाई है इसके असली सच्चे आ जानी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।